हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड सेम की बुक से चैप्टर प्रॉफिट्स प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। तो आज की वीडियो में इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एंड गाइस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और साथ ही साथ अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स के एग्जाम आने वाले हैं उसके अगर आप नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है, चैनल के मेंबर बनना पड़ेगा। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स जो है वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा करूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन पढ़ने वाले हैं, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है जो 2014 को आपको आया हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सच प्रॉफिट? एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ प्री कॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग किसका पढ़ेंगे, प्रॉफिट्स प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। अब सबसे पहले प्रॉफिट तो हमें पता क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है। देखो गाइस, जब हम कोई न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू कंपनी हमने बनाई, उस कंपनी को हमें क्या कराना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, है ना। अपनी कंपनी को हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो इनकॉर्पोरेशन का बेसिकली मतलब है रजिस्टर करवाना, अपनी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर करवाना। और प्रियोर का क्या मतलब हो गया, रजिस्टर करवाने से पहले का जो समय है। मान लो हमने कंपनी बनाई, 1 जनवरी को हमने अपनी कंपनी क्रिएट की, ठीक है, और हमने अपनी जो कंपनी है, हमने अपनी जो कंपनी है वो कब कर रजिस्टर मान लो हमने करवाई 1 अप्रैल को, ठीक है। तो ये देखो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक हमारे 3 मंथ्स बनते हैं, ठीक है, 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक हमारे 3 मंथ्स बनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल को तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि फर्स्ट डे है। तो 3 मंथ जो ये हमारे हैं, 3 मंथ्स में हमें कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। मान लो हमें ये 3 महीने में रजिस्टर करवाने से पहले 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो ये जो प्रॉफिट है हम इसे कहेंगे प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने से पहले जो हमने अपना काम किया जिससे हमें प्रॉफिट हुआ उसे हम कहते हैं प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि वो प्रॉफिट जो हमें अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाने से पहले हुआ, ठीक है, प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। समझ आ गया होगा क्या है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। अब जो प्रॉफिट है जो अर्न किया है एक कंपनी ने अपनी इनकॉर्पोरेशन की डेट से पहले, वो हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड ये जो प्रॉफिट है इसकी जो ट्रीटमेंट है एज अ कैपिटल प्रॉफिट करते हैं, एंड उसके बाद इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। एंड ये जो प्रॉफिट है ये एलिजिबल नहीं होता है कि हम शेयर होल्डर्स को जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स लिए उनको हम एज अ डिविडेंड पे करें, क्योंकि ये हमारे कैपिटल नेचर का है, ठीक है। और अगर गाइस ये तो हमने बात की प्रॉफिट की, ज़रूरी थोड़ा ना हमें कंपनी जब अब हमने बनाई सीधे हमें प्रॉफिट होना शुरू हो गया, हो सकता है हमें लॉस होए। तो मान लो अगर हमें लॉस होता है, लॉस प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन होता है, तो इस केस में जो लॉस है वो भी हमारा कैपिटल नेचर का होगा और ये गुडविल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। इसका नेचर अच्छी तरीके से कर लो, बाकी इसके नोट्स तो मैं अपने चैनल मेंबर्स को प्रोवाइड करने वाली हूँ। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ प्री कॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। अब जो हमारा प्री कॉर्पोरेशन प्रॉफिट है या फिर लॉस है, जैसे मैंने आपको बताया ये कैपिटल नेचर का है, तो इसकी बेसिकली हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है और उसे कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें उसे क्या करना है, डेबिट करना है गुडविल अकाउंट में, ठीक है। इतनी आपको ट्रीटमेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है जो 2006 एंड 2022 2022 को भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ के मत जाना इसे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन? हाउ इज़ दिस प्रॉफिट असर्टेन्ड एंड फॉर वट पर्पज कैन इट बी यूटिलाइज, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। और गाइज जो अभी तक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, मीनिंग पढ़ा है, नेचर पढ़ा और ट्रीटमेंट पढ़ा है, वो आपको मीनिंग में लिखाना है। उसके बाद है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन। अब इस केस में किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, अब ये चीज़ें ध्यान से समझना, जिसमें हम टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो समझेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ना अभी, ये सिर्फ आपकी थ्योरी में काम नहीं आएंगी, आपके प्रैक्टिकल में भी आएगी। मतलब ये चैप्टर आपका हो सकता है, ठीक है, अगर मान लो थ्योरी का क्वेश्चन आया तो आप इसे आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर प्रैक्टिकल का भी आया तो आपको उसके लिए टाइम रेशो एंड सेल्स रेशो तो निकालनी है, तभी आपका आगे समझ चलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना। पहला है टाइम रेशो। जैसे गाइस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि 1 जनवरी को हमने कंपनी बनाई और 1 अप्रैल को हमने रजिस्टर करवा दी, ठीक है। अब हमारे पास जो 3 महीने हैं ये हमारे प्रॉफिट प्रियोर टू इनकॉर्पोरेशन हो गए, ठीक है। अब अगर हम इसकी मैं रेशो निकाल लूँ तो 3 रेशो हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल 12 मंथ होते हैं,
हमारी जो रेशो है, टाइम रेशो है, वो 3:9 आ जाएगी। और अगर इसे 3 के टेबल पे हम कट करेंगे तो 1:3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम इजीली टाइम रेशो जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें पहले मंथ्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार आप ये भी जो यहाँ पे एग्जाम्पल है इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कैलकुलेट सेल्स रेशो। सबसे पहले तो हमें सम जब हमें करना है, पहले हमें टाइम रेशो कैलकुलेट करनी है, फिर हमें सेल्स रेशो कैलकुलेट करनी है, उसके बाद हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम बनाएंगे। पर सबसे पहले देखते हैं सेल्स रेशो क्या है। सेल्स रेशो किस तरीके से निकालनी है, जो आपकी सेल्स हुई है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का क्या मतलब, जब आपकी कंपनी रजिस्टर होने से पहले जो आपका समय है उसे हम क्या कहेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जितनी आपको सेल हुई उसको लोगे। और रेशो सेल्स ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मान लो आपकी कंपनी जब रजिस्टर हुई थी उससे पहले जो आपको, मतलब रजिस्टर होने से पहले आपको कितना आपकी कितनी सेल हो रही थी, 50,000, और जब कंपनी रजिस्टर होगी उसके बाद आपको कितनी सेल्स हुई, 2 लाख। तो इसके आप रेशो निकालोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 1:4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आप सेल्स रेशो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स रेशो हमारी आ गई, टाइम रेशो आ गई। अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी एक बार आप प्रोफॉर्मा देख लो, पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो आपका टोटल आएगा ना, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो टोटल आएगा वो आपका रिवेन्यू प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स एक बार देख लो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो जितनी सेल्स होगी वो ले लोगे, ठीक है। उसके बाद अदर इनकम, उस अदर इनकम ऐड करोगे तो टोटल रिवेन्यू आपकी आ जाएगी, फिर एक्सपेंसेस लेस करोगे उसके बाद आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब गाइस देखो, हमने निकाली है टाइम रेशो, सेल्स रेशो। अब हमें बेसिकली इन रेशो का करना क्या होता है, मान लो हमें सेल्स गिवन है, ठीक है, या फिर मान लो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो 1.5 लाख हमें गिवन है, हमारे पास रेशो कितनी है, 1:2, तो उसके हिसाब से हम डिवाइड कर देंगे 1.5 लाख को। जितना प्री का आएगा प्री में लिख देंगे, जितना पोस्ट का आएगा पोस्ट में लिख देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करवाऊंगी, डोंट वरी। सबसे पहले तो ये समझो कौन से एक्सपेंसिस पे, कौन से ऐसे खर्चे हैं जिसपे आपको सेल्स रेशो से कैलकुलेट करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको टाइम रेशो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो ये आपके एक्सपेंसिस आ जाएंगे हैं। पहला है सेल्स रेशो में आपको, मतलब कौन से एक्सपेंसेस में आपको सेल्स रेशो का यूज़ करना है। पहला है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आपको गिवन है, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट्स, सेल्समैन कमीशन, कैरेज आउटवर्ड एक्सेट्रा, इसमें आपको सेल्स रेशो निकालनी है। एंड टाइम रेशो आपको सैलरी हो गई, क्योंकि सैलरी देखो हम टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं, 1 महीने की सैलरी, 6 महीने की सैलरी, 1 साल की सैलरी, इस तरीके से। रेंट एंड टैक्स, रेंट भी हम टाइम के अकॉर्डिंग ही पे करते हैं, ठीक है, 1 महीने का रेंट, 1 साल का रेंट, 1 साल का टैक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, डेप्रिसिएशन, ये भी मेरा टाइम के अकॉर्डिंग लगती है। इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 2 मंथ्स का आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मिसलेनियर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके के आपके क्या आ जाएंगे, इसमें आप टाइम रेशियो का क्या करने वाले हो, यूज़ करने वाले हो, ठीक है। अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपका इनकॉर्पोरेशन पीरियड के बाद, मतलब जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद का जो पीरियड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ठीक है। तो इसमें हम, मतलब बेसिकली कुछ ऐसे एक्सपेंसेज है जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही हम अलाउ करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर की फीस होगी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिबेंचर एंड ट्रस्ट, ये सारे आप इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही क्या करते हो, अलाउड करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइस इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, सॉल्व एग्जामिनेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो गाइस बेसिकली मैं आपको चैनल मेंबरशिप जब आप ले लोगे उसके लिए मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो देख लेना, या जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो ये आज हम देखने वाले हैं सॉल्व एग्जामिनेशन, ठीक है, क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिससे आपको कुछ समझ आ जाएगा, एक दो हम आज करेंगे, उसके बाद बाकी हम जो दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम बाकी जो बचेंगे वो करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप भी करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप देख लो, जिसमें हम टाइम रेशो निकालने सीखेंगे, इससे आपका जो एकदम वो टाइम रेशो वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका यहाँ पे, एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट यानी कि रजिस्टर हुई हैं 1 जुलाई 2020 को, एंड उसके बाद उन्होंने जो बिजनेस है वाई एंड कंपनी का उसे टेक ओवर कर लिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। अब जो अकाउंट्स है कंपनी के वो क्लोज हो गए 31 मार्च 2021, और यहाँ पे हमें प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड को डिटरमाइन करना है, यानी कि टाइम रेशो निकालनी है। अब गाइस देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने वाई एंड कंपनी जो थी उसे टेक ओवर किया था, कब किया था, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। और कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 1 जुलाई 2020, तो 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक हमारे कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब रजिस्टर होने के बाद का
समय देखते हैं। तो 1 जुलाई को हमारी जो कंपनी थी वो रजिस्टर हुई थी, एंड हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है 31 मार्च 2021, तो हमारे 9 मंथ्स हो गए। तो 3:9 आ गए, इसको कट करेंगे 1:3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी टाइम रेशो आराम से इजीली हमने निकाल ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक बार ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मून लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं ऑन 1 अप्रैल 2019, एंड उसके बाद उन्होंने टेक ओवर कर लिया रनिंग बिजनेस किसी पार्टनरशिप फॉर्म का, कब किया उसको 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। एंड हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एयर एंडेड 31 मार्च 2020 का हमारे पास है, जिसमें हमें GP गिवन है एंड एक्सपेंसेस सैलरीज रेंट वगैरह हमें गिवन है, और साथ ही साथ हमें नीचे एक लाइन दी गई है जो मून लिमिटेड है इन्होंने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन को स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, एंड जो उसके बाद उनकी जो मंथली सेल्स है वो 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो अब हम बनाएंगे हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले GP जो है वो हमारे पास कितना है, 1,56,000। बट सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था जब हमने थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले हमें टाइम रेशो निकालनी होती है। तो टाइम रेशो किस तरीके से गाइज आप निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो गाइज 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 अगस्त 2019 तक हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने टेक ओवर किया था एंड इनकॉर्पोरेट उन्होंने 1 अगस्त 2019 को करवाया था। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक हमारे 4 महीने हो गए, 4 मंथ्स हो गए, ठीक है। एंड उसके बाद 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक हमारे कितने मंथ्स हो गए, 8 मंथ्स हो गए। तो 4:8 आ गया, तो इसे 1:2 हमारी टू जो है टाइम रेशो निकल गई। तो हमारी जो टाइम रेशो है वो किस तरीके से आ जाएगी, 1:2। अब देखो गाइस ग्रोस प्रॉफिट है उसे हम सेल्स रेशो से निकालते हैं, आपको याद रखना है। तो हमने तो अभी टाइम रेशो निकाली, अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सेल्स रेशो, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेल्स रेशो किस तरीके से निकालोगे, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी वे है, सीधे से निकाल सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो गाइस, अब जो कंपनी की मंथली जो सेल है 4 मंथ्स की, अभी हमने निकाला ना कि प्री इनकॉर्पोरेशन जो पीरियड है वो कितने मंथ्स का है, 4 मंथ्स का। अब हमें यहाँ पे तो दिया नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, हमें गिवन ही नहीं है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमें कितनी सेल्स हुई थी। तो हम उसे क्या करते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम मैथ में लेट करते थे ना एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, इस तरीके से हमने एक्स लेट कर लिया। उसके बाद जो मंथली सेल है नेक्स्ट 8 मंथ की, 8 मंथ्स हमारे क्या है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के, उसे हम लेट कर लेते हैं। देखो हमें नीचे लाइन गिवन थी कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो कैंपेन है उसे चलाया था, उनके कारण 25% जो थी सेल्स इंक्रीज हो गई थी। तो हम 25% हमें प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की सेल तो पता नहीं जिसे हमने एक्स लिया था, तो 25% हम एक्स का निकालेंगे। अब देखो गाइस एक्स मीन्स एक्स को हम 1 मान के चलेंगे, ठीक है। 1 प्लस अब 25% हमें एक्स का निकालना है, एक्स हम 1 ही, हमारे पास एक्स कितना 1x है ना, तो 1 ही हम लेट करेंगे। तो 25% अगर आप एक्स का निकालोगे तो 0.25% आता है, और एक्स को अगर हमने 1 लेट किया है तो 1 प्लस 0.25 हमारा कितना आ जाएगा, 1.5x आ गया, ठीक है। समझ आया इतनी बात। उसके बाद देखो सेल्स रेशो किस तरीके से निकालेंगे, हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के मंथ कितने हैं, 4 × x कर दोगे। x क्यों करोगे, क्योंकि हमारे पास हमने लेट किया है कि हमारी जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड की जो सेल्स है वो x है, ठीक है। उसके बाद बीच में हमने रेशो डाल दी, उसके बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन जो पीरियड है उसके लिए हमारे पास कितने मंथ्स हैं, 8 × 1.25 हमने कहाँ से लिया, जो हमने 8 मंथ्स की सेल निकाली थी, जो हमने x प्लस 25% किया था ना, तो इसको हम करेंगे। तो 4 × x करोगे तो 4x आ जाएगा, एंड 8 × 1.25x करोगे तो 10x आ जाएगा। तो 4:10 आपका आ गया, एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो 2:5 आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेल्स रेशो आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी सेल्स रेशो एंड टाइम रेशो दोनों आ चुकी हैं, हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो गाइस ग्रोस प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट हमें क्यों होता है, सेल्स के कारण ही होता है, ठीक है। सेल्स होगी तभी प्रॉफिट होगा, तो इसको सेल्स रेशो से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे गाइस हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट है वो 6,30,000 है। 6,30,000 को आप 2:5 में डिवाइड करोगे जैसे प्लस 1 में करते थे, नहीं पता तो बता देती हूँ। 6,30,000 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ एंड डिवाइड करोगे 7 के साथ। 7 के साथ क्यों करोगे, क्योंकि हमें रेशियोज को प्लस करना होता है, 2 + 5 है ना यहाँ पे, तो 2 + 7 हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से निकालोगे, 6,30,000 × 2/5, तो आपका यहाँ पे इतना आ जाएगा 1,80,000। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, 6,30,000 × 5/7, तो 4,50,000 आपका आ जाएगा। तो ग्रोस प्रॉफिट आप निकाल लोगे। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस गिवन है, पहला है सैलरी, सैलरी हम टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से, हमारी जो रेशो थी वो 1:2 थी, तो सैलरी हमारी कितनी है, 1,56,000 हमारी क्या है, सैलरी है, ठीक है। तो 1,56,000 × 1/3 करके 52,000 आ जाएगा, एंड 1,56,000 × 2/3 करके आपका आ जाएगा 1,04,000, ठीक है। तो इस तरीके से जो टाइम रेशो में आपको गिवन है वो आप आराम से निकाल लोगे, एंड सेल्स रेशो में यहाँ पे रेंट
एंड सॉरी कमीशन ऑन सेल्स जो है वो सेल्स रेशो पे निकालोगे, बाकी सारे टाइम रेशो पे निकालोगे, एंड पोस्ट पे कौन कौन से निकालोगे, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अगर आपको मिलेगा वो सिर्फ जितना आपका पैसा होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड के लिए निकालोगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो हो आपकी डायरेक्टर फीस एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी आप पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में लगाओगे, ठीक है। उसके बाद सभी को ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस कर दोगे तो आपका प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा और प्री ओ सॉरी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट या लॉस आपका आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में सारे जो एक्सपेंसेस है उसे लेस कर दिया है, तो हमारे यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट है वो 72,400 आ गया, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो हमारा क्या है प्रॉफिट है वो 1,21,000 आ गया। अब मैंने आपको बताया था जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं, और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का हमारे पास प्रॉफिट होता है उसे हम रिवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी इलस्ट्रेशन थी, बाकी हम आने वाली वीडियोस में इसके क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं नोट्स के साथ वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। जब आप चैनल के मेंबर बन जाओगे तो हमारे चैनल की मेंबरशिप फटाफट से ज्वाइन कर लो, एंड गाइस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट करके जरूर से बताना, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर से शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।